अरे बाप रे, बहुत गर्मी हो रही है। हाय गर्मी, हाय हाय, मर जाऊंगी। बिस्तर पर पंखे के नीचे बैठकर केतकी गर्मी गर्मी करके चिल्ला रही थी। वो लड़कों का हाफ पैंट और बनियान पहने हुई थी। कमरे की खिड़कियां खुली हुई थी, तभी दरवाजे से केतकी का पति मुकुंद अंदर आया। ये क्या केतकी, ये तुम क्या पहनकर बैठी हुई हो? तो गर्मी में क्या साड़ी पहनकर घूंघट ओढ़कर बैठूं? तब शांति मिलेगी तुम्हें। घूंघट ओढ़ने के लिए कौन कह रहा है? खिड़कियां खुली हुई हैं, बाहर से आसपास के लोग तुम्हें इस हालत में देखेंगे तो क्या इज्जत रह जाएगी इलाके में? इस तरह से नौटंकी मत करो। नौटंकी मैं नहीं, तुम कर रहे हो। तुमसे शादी करके तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, बस साड़ी पहनकर घूंघट ओढ़कर घर पर बैठे रहना पड़ता है। केतकी फालतू बातें मत करो, उम्र क्या है तुम्हारी? शर्म लिहाज नाम की कोई चीज है कि नहीं? ये झगड़ा रोज की तरह आगे बढ़ने वाला था कि तभी मुकुंद और केतकी की बहू शीतल वहाँ आई। माँ जी, बाबू जी एक बात थी। और शीतल ने अपनी सास को हाफ पैंट और बनियान में देख लिया। अरे माँ जी तो आज भी बनियान में बैठी हैं। क्या करूं? क्या हुआ बहू, बताओ क्या बताने आई थी? मुंह में ताला क्यों लग गया? वो कहना था कि मेरी माँ ने फोन किया था, माँ और पापा यहाँ आ रहे हैं। क्या आज इतनी गर्मी में? तुम्हारे माँ बाप का दिमाग तो ठीक है ना? ऐसे क्यों बात कर रही है माँ जी, वो अपनी बेटी के ससुराल में नहीं आ सकते क्या? नहीं नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। तुम अपनी सासू माँ की बातों का बुरा मत मानो। तुम्हें पता तो है तुम्हारी सास कैसी है, उन्हें आने के लिए बोलो। ठीक है बाबू जी, वो आ रहे हैं। ये बोलकर शीतल चली गई। सुना ना केतकी, संधि जी और समधन आ रहे हैं, अब तो साड़ी पहन लो। हाँ हाँ ठीक है पहनती हूँ, ज्यादा पटर पटर मत करो और जाओ यहाँ से। मुकुंद चला गया, लेकिन केतकी को साड़ी पहनना और आम के पेड़ पर सेब उगाना एक ही बात थी। शादी के बाद से ही मुकुंद देखता आ रहा है, केतकी साड़ी पहनना ही नहीं चाहती, हमेशा बस हाफ पैंट और बनियान में घूमना चाहती है। अभी वो सास बन गई है, लेकिन आज भी वो आदत से मजबूर है, हमेशा बस गर्मी का बहाना देती है और मुकुंद पर चिल्लाती है। शीतल अपने माता पिता का इंतजार कर रही थी। एक घंटे में उसके माता पिता आ गए। आओ माँ, आओ पापा, कितने दिनों बाद आए हो तुम दोनों। हाँ बेटी, टाइम ही नहीं मिलता है, इधर कुछ काम था तो सोचा एक बार तुमसे भी मिल लूं। तू कैसी है बेटी? मैं अच्छी हूँ माँ, आप दोनों बैठो, मैं माँ जी और बाबू जी को बुलाती हूँ। मैं आ गया, केतकी भी आ रही है, बैठिए आप लोग। सभी बैठकर बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर केतकी आई। उसे देखकर शर्म से शीतल के माता पिता ने आंखें नीचे कर ली। केतकी ने साड़ी नहीं पहनी थी, उसने बनियान के ऊपर बस एक दुपट्टा ले लिया था। गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, नहीं? हाँ मतलब नहीं मतलब हाँ थोड़ी सी। शीतल के माता पिता को इतनी शर्म आई कि उन्होंने तभी वहां से निकलने के बारे में सोचा। बेटी हम तो बस तुझसे मिलने आए थे, अभी चलते हैं, देर हो रही है ना आपको? हाँ हाँ देर हो रही है। चलो चलो। वो दोनों चले गए। चलो बला टली, बस मुंह उठाकर चले आते हैं। ये बोलकर केतकी भी अपने कमरे में चली गई। शीतल को बहुत बुरा लगा, उसे गुस्सा भी आने लगा, शर्मिंदगी भी महसूस होने लगी और रोना भी आ गया। उसका पति रोहन जब घर लौटा तब उसने अपनी सास की हरकत बताई। रोहन ने कहा, ये माँ भी ना हमेशा से ऐसी है, सुधरने वालों में से नहीं है, उनकी वजह से किसी के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है हमारा। आज तो हद ही हो गई, हमेशा कम कपड़े पहनकर घूमती रहती है, कितना गंदा लगता है दिखने में, और ताकि ज्यादा कपड़े ना पहनने पड़े इसलिए किसी को घर में आने ही नहीं देती है। अब मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा है, अब तो मैं उन्हें सुधार कर ही दम लूंगी। हम तो बोल बोल के थक गए, देखो तुम ही कुछ कर सकती हो। अब मैं बोलूंगी नहीं, बातों से वो पिघलने वालों में नहीं है। तो फिर क्या करने की सोच रही हो तुम? बस देखते जाओ, मेरे एक दोस्त को कीड़े मकोड़े का बहुत शौक है, अब देखो मैं क्या करती हूँ। शीतल ने उस दोस्त को कॉल लगाई और उससे कुछ बात की। अगले दिन शीतल के लिए एक पार्सल आया, तब घर में रोहन और मुकुंद नहीं थे, केतकी बनियान पहनकर सो रही थी। शीतल ने उन कीड़ों को चुपके से केतकी के बिस्तर पर छोड़ दिया। शाम को शीतल की जब नींद खुली तब उसके पूरे बदन में खुजली हो रही थी, वो बंदरों की तरह खुजाने लगी। आहा, ये क्या हो गया मुझे, इतनी खुजली क्यों हो रही है? उसका पूरा बदन लाल भी हो गया। केतकी को कुछ समझ नहीं आया, वो बस पूरी रात खुजाने लगी। खुजाते खुजाते वो थक गई, उसकी त्वचा छिल गई लेकिन खुजली नहीं रुकी। आहा मर गई, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। अरे मुझे डॉक्टर के पास ले चलो।
मुकुंद उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने दवाई दी और कहा, अभी गर्मी के समय बहुत सारे कीड़े मकौड़े निकलते हैं, खाली त्वचा देखते ही डंक मारते हैं, हमेशा त्वचा को ढक के रखा कीजिए, नहीं तो फिर से। नहीं नहीं, फिर से नहीं, इतनी खुजली मुझे नहीं चाहिए, इससे अच्छा तो मैं साड़ी पहनकर सब कुछ ढक कर रहूंगी। उसके बाद से केतकी बदल गई। एक रात की खुजली ने उसे पूरी तरह चेंज कर दिया। वो हमेशा साड़ी पहनने लगी, चाहे कितनी भी गर्मी हो। घर के सभी केतकी को लेकर निश्चिंत हो गए। धीरे धीरे रिश्तेदारों से भी रिश्ता ठीक हो गया। इसीलिए कहते हैं कि कभी कभी खुजली भी जरूरी होती है। आशा देवी की दो बहुएं थी, सुनीता और सुप्रिया। सुनीता थोड़ी मोटी थी और सुप्रिया पतली दुबली थी। सुप्रिया हर तरह के कपड़े पहन लेती थी, पर सुनीता मोटी थी इसलिए वो अपनी बॉडी के हिसाब से ही कपड़े पहनती थी। माँ जी, ये इवनिंग गाउन मुझ पर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है बहू, तुम तो पतली दुबली पतंग हो, तुम पर तो सारे कपड़े अच्छे लगते हैं। थैंक यू माँ जी। अरे सुनीता भाभी, आप क्या पहन रहे हो? आप भी कुछ इवनिंग गाउन या मैक्सी टाइप का कुछ पहन लेते। नहीं सुप्रिया, मैं इतनी मोटी हूँ, मुझ पर कहाँ ये सब अच्छा लगेगा। सुप्रिया बहू, सुनीता इतनी मोटी है, उस पर भला ये कपड़े थोड़ी अच्छे लगेंगे। तुम भी कैसी बातें करती हो, इस पर बस साड़ी और सूट ही सही लगते हैं, ये उनमें ही ठीक ठाक लगती है। चलो अब तुम सब तैयार हो जाओ, समय पर सगाई फंक्शन में पहुंचना है। ना जाने उस दिन अपनी सास की बात सुनीता को चुभ गई और वो इस बारे में सोचने लगी, पता नहीं ये अपने आप को क्या समझते हैं। अब देखना मैं भी छोटे छोटे कपड़े पहनूंगी और सुप्रिया से ज्यादा सुंदर लगूंगी मैं। अगले दिन ही सुनीता अपने लिए शॉपिंग करने चली गई और उसने वहां से छोटी छोटी स्कर्ट, टॉप, कैपरी, मिडी, वन पीस वगैरह खरीद लिए। सुप्रिया का जन्मदिन था तो सब लोग बाहर खाना खाने जा रहे थे। सुप्रिया ने बहुत सुंदर शॉर्ट मिडी पहनी थी। कुछ देर बाद सुनीता भी तैयार होकर आ गई, पर ये क्या, उसने इतनी शॉर्ट मिडी पहनी हुई थी कि वो बहुत अजीब लग रही थी। अरे बहू, ये क्या, तुम ये क्या पहन रही हो, ये कोई तुम पर अच्छा लग रहा है इतने छोटे कपड़े? अरे वाह भाभी, आप तो बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू, मैंने सोचा जब तुम पहन सकती हो तो मैं क्यों नहीं पहन सकती, इसलिए मैं आपसे छोटे कपड़े ही पहना करूंगी। सुनीता के सिर पर तो भूत सवार हो गया था कि वो सुप्रिया की बराबरी करेगी, और यही उसने गलत किया। अब वो रोजाना ही छोटे छोटे कपड़े पहनकर बाहर आने जाने लगी। छोटे कपड़े पहनना बुरी बात नहीं है, पर हमें अपनी बॉडी की बनावट के ही कपड़े पहनने चाहिए, तभी हम पर जचते हैं। पर ये बात सुनीता समझ नहीं पा रही थी। अरे क्या हुआ सुनीता, कितनी देर से तैयार हो रही हो? अरे आ रही हूँ ना, तैयार होने में टाइम भी तो लगता है। पिक्चर आधी निकल गई होगी और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो, फिर कहोगी कि मैं टाइम पर नहीं आता। अरे तुमने ये क्या पहन लिया, इतनी छोटी निकर, तुम्हें क्या हो गया सुनीता, थोड़ा तो ख्याल किया करो, इतने छोटे कपड़े पहन लिए, कितनी अजीब लग रही हो। अरे सुनीता भाभी, आप तैयार नहीं हुए, वो देखो सुप्रिया ने भी तो शॉर्ट स्कर्ट पहनी है, उसको तो इस घर में कोई कुछ नहीं कहता, मुझे ही सब बोलते हैं, मैं तो सुप्रिया से ज्यादा सुंदर हूँ, मेरे ऊपर कपड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं, ये तो देखो ना कैसी सपाट सी है पतली दुबली, मैं तो फिर भी भरे हुए शरीर वाली हूँ। भाभी ये नहीं है कि आप मेरी जेठानी हो तो मुझे कुछ भी बोलती रहोगी, आप मेरी जगह ले भी नहीं सकते, मेरे ऊपर वेस्टर्न कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, ये तो अलग बात है कि मैं आपको कुछ कहती नहीं हूँ और आप कुछ भी बोले जा रहे हो, जो भी मुँह में आ रहा है। अरे मैंने क्या गलत बोला, मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूँ, मुझे पता है, हाँ मैं मोटी हूँ, ये अलग बात है, देखना एक दिन मैं भी पतली होकर दिखाऊंगी, फिर तुमसे ज्यादा मुझ पर कपड़े अच्छे लगेंगे। हाँ हाँ तो जाओ ना, किसने रोका है, मुझे क्यों बीच में ला रही हो। हाँ नहीं तो मुझे नहीं जाना कोई पिक्चर देखने आप लोगों के साथ, और आज के बाद मेरे से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, धीरज मैं नहीं जा रही हूँ पिक्चर, तुम्हें अगर भैया भाभी के साथ जाना हो तो चले जाओ। भाभी आपने ठीक नहीं किया। सुनीता और सुप्रिया के बीच लड़ाई पड़ गई, दोनों ने आपस में बात करना बंद कर दिया। गलती सुनीता की थी, उसने सुप्रिया का अपमान किया, पर वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। घर में तो ऐसा माहौल हो गया जैसे घर में कोई रहता ही ना हो, ये देखकर आशा देवी बहुत दुखी हुई। बताओ सुनीता, तुम्हारी वजह से आज घर में सब कितने परेशान हैं। तुम्हें पता भी है तुमने सुप्रिया से किस तरह से बात की। माँ जी आपको तो मैं ही गलत दिखाई देती हूँ, आप ये क्यों नहीं कहती कि आप सुप्रिया से ज्यादा प्यार करते हो, मुझे नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है सुनीता, ना जाने तुम्हारे दिमाग में क्या नफरत का कीड़ा पनप रहा है, जब देखो तब गलत ही सोचती रहती हो। अरे हम सब तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारा भला ही सोचते हैं, सिर्फ तुम्हें थोड़ा बहुत कपड़ों के लिए क्या बोल दिया, तुम तो सबसे ही लड़ने लगी हो,
ऐसा ना हो कि मैं भी तुमसे बात करना बंद कर दूं, फिर तुम बिल्कुल अकेली हो जाओगी। और फिर ऐसा ही हुआ। आशा देवी ने भी धीरे धीरे सुनीता से बात करना कम कर दिया, क्योंकि वो किसी की सुनती ही नहीं थी। उसे तो अपने में कोई कमी नजर ही नहीं आती थी, हमेशा दूसरों की गलती ही उसे नजर आती थी। पड़ोस के घर में किसी की शादी थी, सब लोग तैयार हुए। सुनीता ने फिर से अपने मन की चलाई। वो कट स्लीव डीप नेक का वन पीस पहनकर तैयार हो गई, जो देखने में थोड़ा शॉर्ट था। अब कोई उससे बात नहीं कर रहा था, इसलिए किसी ने भी उसे मना नहीं किया। सुप्रिया ने डिजाइनर साड़ी पहनी, सास ने भी अच्छे कपड़े पहने। सब लोग तैयार होकर शादी के फंक्शन में पहुंचे। सबका ध्यान सुनीता की तरफ ही था। सुनीता बहुत ही अजीब लग रही थी। उसने जो वन पीस पहना हुआ था वो बहुत ज्यादा टाइट था, जो उसकी बॉडी से चिपक रहा था, पर उसे तो लग रहा था कि वो बहुत खूबसूरत लग रही है। सब लोग डीजे पर डांस करने लगे। सुप्रिया भी सबके बीच डांस कर रही थी, पर जैसे ही वो थोड़ा जोश में डांस करने लगी, अचानक उसका वन पीस पीछे से फट गया और सुनीता एकदम घबरा गई। और पहनो ऐसे कपड़े, कितनी बार मना किया था कि तरीके के कपड़े पहनो, अब क्या करूं मैं यहाँ पर, माँ और सुप्रिया भी नजर नहीं आ रही हैं। अब रो क्यों रही हो, साइड में आओ ताकि कोई और ना देख ले, वहाँ दीवार के पास खड़ी हो जाओ। तभी सुप्रिया और आशा देवी आ जाती हैं। क्या हुआ सुनीता भाभी, आपकी आंखों में आंसू? मैं माँ को पानी पिलाने के लिए गई थी, कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ बहू, तुम रो क्यों रही हो, यहाँ सबके बीच अच्छा नहीं लग रहा, तुम दोनों में कोई लड़ाई हुई है क्या? माँ एक सेकंड इधर आओ। अनिल अपनी माँ के कान में ये बात बता देता है। सुप्रिया बहू जरा बात सुनो, सुनीता की ड्रेस पीछे से फट गई है, इसीलिए वो दीवार के साथ खड़ी है। कुछ करो ताकि हम गेट तक जा सके और कोई देखे ना, इस बात का ध्यान रखना। माँ जी आप चिंता मत करो, सुनीता भाभी को इस हालत में कोई नहीं देखेगा, मैं उनके साथ रहूंगी। भाभी आप आओ मेरे साथ चलो, बस आपको इस तरह बिहेव करना है कि आपकी तबीयत खराब हो रही है, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। सुनीता सुप्रिया के आगे थी और सुप्रिया ने सुनीता को पीछे से कसकर पकड़ रखा था। क्या हुआ बहू, तबीयत ठीक नहीं है क्या सुनीता की? हाँ आंटी जी, वो पता नहीं डांस करते करते भाभी को चक्कर आ गए, घर जा रहे हैं। अच्छा आंटी जी मैं चलती हूँ, भाभी की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। सुप्रिया सुनीता को लेकर गाड़ी तक पहुँचती है, सब लोग घर लौट आते हैं। सुनीता बहुत शर्मिंदा थी, वो सबसे सॉरी बोलती है। मुझे माफ कर दो माँ जी, मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे आप सबका अपमान हो। और सुप्रिया मैं तुमसे भी सॉरी बोलती हूँ, मैंने छोटी सी बात के लिए तुमसे कितनी लड़ाई की, पर फिर भी तुमने आज मेरी इतनी मदद की है। भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, उस समय आपकी मदद करना मेरा फर्ज था, आप मेरे से बड़े हो, मेरी बड़ी बहन की तरह हो। अब एक बात आपको मेरी भी माननी पड़ेगी, आपके लिए कपड़े मैं डिसाइड करूंगी, बहुत सुंदर वेस्टर्न कपड़े, पर आपके हिसाब से जो आप पर बहुत सूट करेंगे। बहू मन खराब मत करो, सब कुछ ठीक है, तुम और सुप्रिया इस घर की रौनक हो, आपस में कभी भी लड़ाई मत करना, हमेशा मिलजुल कर रहो। सुनीता और सुप्रिया एक दूसरे के गले लग जाती हैं। सुप्रिया सुनीता को शॉपिंग के लिए लेकर जाती है और उसके बॉडी शेप के हिसाब से बहुत ही सुंदर वेस्टर्न ड्रेस उसको खरीद कर देती है। वेस्टर्न कपड़े पहनना बुरी बात नहीं है, पर हमें हमेशा अपने बॉडी शेप के हिसाब से ही कपड़े खरीदने और सिलवाने चाहिए, ताकि हम उन कपड़ों को पहनकर खुद को कंफर्टेबल महसूस करें और दिखावा करने की कोशिश में लोगों के बीच मजाक का पात्र न बने।